हेलो दोस्तों, एएनडी सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक द सीक्रेट पे है, जो 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक में से एक है, जिसको रोंडा बर्न ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के थॉट्स उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है और इसको 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हमारी वीडियो कभी कभी ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन द सीक्रेट रिवील। 24 बेहतरीन टीचर्स इस बुक में अपनी बात रखते हैं। इस बुक में उन टीचर्स का सीक्रेट छुपा है और सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां हैं। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बातें और कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, जिससे आप अपने सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हो तो आपको समझ आता है कि कैसे उन सब चीजों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हैं, आप असल में कौन है। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के बारे में भी जानते हैं जो बहुत अमेजिंग है और आपका वेट कर रही है। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच है, कहते हैं, सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा हो। डॉक्टर जोय, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और एक ऑथर है, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड, जो एक ऑथर, टीचर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे अप्लाई करते हैं ये उनको पता था। व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है आप उसको अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपकी जिंदगी में आई क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। बेसिकली जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हुए हैं उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े पोएट जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्रॉनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। म्यूजिशियन जैसे बीथोवन ने इसको अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में शो किया है। बड़े बड़े विचारक जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, राल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर इसाक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो ने इस सीक्रेट को अपनी राइटिंग्स और अपनी स्टोरीज में बताया है। ये वो लॉ है जो यूनिवर्स में सारी चीजों को एक सही ऑर्डर में रखता है, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी मूवमेंट हो या आप जिंदगी में कोई भी चीज अनुभव करते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस को बनाता है और ये सब आपके विचारों यानी कि थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में वेल्थ कमाई उन लोगों ने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच के किया हो या बिना सोचे किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी वेल्थ के बारे में सोचा और उन्होंने अपने दिमाग में और किसी भी तरह के थॉट्स को आने नहीं दिया। उनका इकलौता थॉट था वेल्थ, चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन हर समय वेल्थ के थॉट्स ने ही उनकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये लॉ आपके थॉट यानी कि विचारों पे रिस्पांस देता है, चाहे वो कैसे भी थॉट्स क्यों ना हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक है। आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है जो कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल है और ये पावर आप अपने थॉट्स के जरिए यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूँ और मुझे पता है कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ खींची चली आएगी। इन थॉट्स को अट्रैक्ट करना आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता, वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये रियलाइज नहीं किया था कि आपने पूरा फोकस करके पूरे अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की जिंदगी आपके पास्ट में सोचे गए थॉट्स का नतीजा है, जिसमें सारी अच्छी चीजें हैं और वो सारी चीजें भी हैं जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो थॉट हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हावी होती है उसे हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। थॉट में एक तरह की चुंबकीय
यानी मैग्नेटिक पावर होती है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हो तो वो थॉट्स यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह सेम तरह की चीजों को जो उस सेम फ्रीक्वेंसी पर होती है उनको अट्रैक्ट करते हैं। जो भी थॉट गया होता है वो अपने सोर्स के पास आ जाता है और वो सोर्स आप हो। अपने आप को अबंडेंस में जीते हुए जो जहां चीजें अनंत हैं और वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पूरी तरह से बदल रहे होते हो। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे। अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ बैड, यही प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर उनको लगता है कि उनको वो सेम चीजें जो नहीं चाहिए वही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता, सिर्फ इसका एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए वो ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहते हैं। अपने थॉट को बार बार देखें, अपने सपनों पर गौर करें। लॉ बिल्कुल सही है, लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस आपके थॉट्स का रिस्पांस देते हैं। सो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बुरा फील कर रहे हैं, आप वो सेम सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हैं, आप हर समय उसके बारे में सोचते हो तो आपको वही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, नो, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द समझ नहीं आते। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, आप अपने थॉट्स को सोच समझकर चुन सकते हो और अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आपकी जिंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है। द पावर ऑफ आवर माइंड, चाहे आपको अपने थॉट्स के बारे में पास्ट में पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सीक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हो और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हो। अब आपको अपने थॉट के नॉलेज, लॉ और उसके पावर के बारे में समझ आ रहा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है, आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, सर्कमस्टेंसेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्जा हो, खुशी हो, गाड़ी हो, या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने अपनी लाइफ में एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट किया है। अगर आपको ये लॉ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिजेक्ट कर दो। आपको शायद इलेक्ट्रिसिटी समझ में ना आए, बट स्टिल आप इसके सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से एक इंसान के लिए डिनर पकाया जाता है या पूरे इंसान को भी पकाया जा सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ नेगेटिव होने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हो तो ये जरूर आपकी लाइफ में होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अपनी नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तो भी आप और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे और साथ ही आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। द सीक्रेट मेड सिंपल, हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लॉस हैं, जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरोगे। आपके जिंदगी में आज जो भी चीजें हैं, वो चीजें भी जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, सब कुछ आपने अट्रैक्ट किया है। ये सुनके आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट कभी अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसे क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना मुश्किल है, मैं अपनी जिंदगी में कर्जे और लोन्स अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच ये है कि ये सब आपने अट्रैक्ट किया है। अपनी लाइफ में ये बात समझना और मानना मुश्किल है, लेकिन जब आप इस बात को समझ लेते हो आपकी लाइफ बदलने लगती है। हर थॉट को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल और एग्जॉस्टेड होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स ही आपकी लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके थॉट्स ही हर चीज का बेस है। उसके अलावा आप जो भी देखते हो या महसूस करते हो वो थॉट्स का इफेक्ट है। फीलिंग्स भी इन सब चीजों में से एक है। कारण हमेशा आपके थॉट्स होते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी बात ये जानना है कि अच्छा और बुरा साथ में फील करना नामुमकिन है। ये लॉ को गलत बनाता है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स बनाते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप वो थॉट्स सोच रहे हो जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा फील करना, दिमाग में बुरे थॉट्स होना, एक टाइम पर एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। आप अच्छा फील करते हो क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो जो आप चाहते हो, बस एक कंडीशन है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। अपने थॉट्स को चेंज करो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी फीलिंग्स आने लगेगी तो आप समझ जाना इसके कारण आपके थॉट्स चेंज करना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर उसको कंफर्म कर दिया। आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी चेंज करने का पावर है, क्योंकि आप अपने थॉट्स खुद चुनते हो और अपनी फीलिंग्स खुद फील करते हो। लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपका हर
थॉट प्यार से जुड़ा हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाएं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े लोगों ने पास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा ख्याल रखोगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखोगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले थॉट्स रखोगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हो। जितनी ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग्स रखोगे और दिखाओगे, उतनी ही पावर आपके पास आएगी। जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला, तब से मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरी लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो गई है। जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं, वैसी जिंदगी मैं रोज जी रहा हूँ। मैं $4.5 million के घर में रहता हूँ, एक बहुत प्यारी बीवी है, मैं दुनिया भर में वेकेशन करने जाता हूँ, मैं माउंटेन से लेके सफारी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसलिए हो पाया और आगे भी होगा, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में सीक्रेट कैसे लगाया जाता है। हाउ टू यूज द सीक्रेट। आप अलादीन और उसके चिराग के बारे में सोचिए। अलादीन लैंप उठाता है, उसको घिसता है और उसमें से जिनी निकलता है। जिनी हमेशा एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका। स्टोरी कुछ इस तरह है कि उसकी 3 विशेस होती हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी में पीछे जाके देखो तो असली कहानी में विशेस की कोई लिमिट नहीं थी। अब इस को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो उसको चाहिए, और ये यूनिवर्स आपका जीनी है। ट्रेडिशन टाइम के साथ इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आप वो चुन सकते हो जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जीनी हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका। ये अद्भुत कहानी ये दर्शाती है कि जैसे आपकी पूरी जिंदगी और उसके अंदर सारी चीजें आपने खुद बनाई है, जीनी ने बस आपके विशेष को पूरा किया है। जीनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है, जब आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो। जीनी को लगता है जो भी आप सोचते हो वही आपको चाहिए, जो आप बोलते हो वही आपको चाहिए, जो भी आप करते हो वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो। जिनी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जिनी कभी भी आपकी मांगी हुई चीजों पर सवाल नहीं कर सकता। जैसे ही आप सोचते हो, जिनी लोगों, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट के जरिए उसको आपको देने की तैयारी में लग जाता है। स्टेप 1, आस्क। क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना, इस यूनिवर्स से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्स देता है। आप चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर पड़ेगा। ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स्ड ही मिलेंगे। मांगना इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है, इसलिए इसको मांगना एक हैबिट बना लीजिए। अगर आपको कुछ चीजें चूज करने में दिक्कत हो, समझ नहीं आ रहा हो किस रास्ते जाना चाहिए, तो मांगिए, बस मांगिए। ये बहुत मजेदार है। यूनिवर्स को एक कैटलॉग की तरह समझना। आप इसको अलट पलट के देखते हो और बोलते हो, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ऑर्डर कीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर डाउट किए बिना उसको बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी सेम है। स्टेप 1 है कि बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है, आप मांग लेते हो। स्टेप 2, बिलीव। स्टेप 2 है विश्वास रखना। विश्वास रखना कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जिसको अभी नहीं देखा उसमें बिलीव करना। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो तभी से आपका था जब से आपने उसको मांगा था। आपको उस पे पूरी आस्था और विश्वास होना चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर किया है तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा जरूर। क्योंकि ये यूनिवर्स एक शीशे जैसा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपने ही मजबूत थॉट्स को वापस देखने जैसा है। तो क्या ये सेंस नहीं बनती है कि आपको खुद को रिसीव करते हुए देखना चाहिए? अगर आपके थॉट्स में ये नोटिस करने का थॉट होगा कि वो आपके पास अभी भी नहीं है, तो आप ये थॉट कि मेरे पास अभी भी नहीं है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। आपको यूनिवर्स में ये फीलिंग भेजनी होगी कि आपको रिसीव हो चुका है, ताकि आपके मिरर की तरह सेम पिक्चर्स आपकी लाइफ में वापस लौट सके। हाउ टू बिलीव। ऐसे एक्ट करना शुरू कर दीजिए जो ऑलरेडी आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगता है कि आपको वो मिल चुका है। जिनी आपके थॉट्स पर हमेशा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ना सिर्फ उस समय जब आपने मांगा था। इसलिए जब आपने कुछ मांगा उसके बाद आपको ये विश्वास करते रहना चाहिए कि आपको वो मिल चुका है। अपनी आस्था उस पे बनाए रखें। जब आप बिलीव करते हो कि आपको वो मिल रहा है, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आप मैजिक होते हुए देखेंगे। ये सब कैसे होगा? कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेके आएंगे? ये सोचना आपका काम नहीं है, ये काम यूनिवर्स को करने दीजिए। अगर आप ये सब सोचते हो कि ये सब कैसे होगा, तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी या तरंगे भेज रहे होते हो जिस
जिसमें विश्वास की कमी है कि आपको बिलीव नहीं है कि वो आपको मिलेगा। आपको लगता है कि यूनिवर्स ऐसा नहीं कर पाएगा, कैसे होगा? ये सोचना क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। स्टेप 3, रिसीव। तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप है इस प्रोसेस में रिसीव करना। उस चीज के बारे में बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दें। ऐसा फील करें कि जब आपको वो रिसीव होगा तब आप कैसा फील करोगे, वैसी फीलिंग अभी फील करना शुरू कर दें। इस प्रोसेस में अच्छा फील करना, खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हो तब आप अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी में डालते हो जो आपको चाहिए। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, कोई किताब हो, कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जिन भी चीजों की इमेजेस आप अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आप तक, आपके थ्रू ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचते हैं, और ऐसा लॉ के थ्रू होता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा। एक चीज है जिसके बारे में बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, वो है कितना टाइम लगेगा ये गाड़ी, रिलेशनशिप या पैसे को पाने में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो 30 मिनट लगेंगे या 3 दिन लगेंगे या 30 दिन। ये टाइम आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट की बेस पर तय होता है। टाइम सिर्फ एक धोखा है, जो आपको क्वांटम फिजिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि सारी चीजें एक साथ एक ही टाइम पर हो रही है। अगर आप ये समझ नहीं पाओगे कि टाइम जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मान लो, तो आप देखोगे कि जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स को सेम चीज मैनिफेस्ट करने में टाइम नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में डिले हो तो इसका मतलब है कि आप बिलीव करने में बहुत डिले कर रहे हो। आप ये फील करने में टाइम लगा रहे हो कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपके अपने खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी टाइम नहीं है, ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपया मांगना या 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस सेम है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका सिर्फ एक कारण है कि आपको लगता है कि 1 करोड़ बहुत ज्यादा है और 1 रुपया कुछ भी नहीं। बड़ी चीज शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपनी लाइफ एडवांस में बनाना शुरू कर दोगे। क्रिएट योर डे इन एडवांस। अपना दिन पहले से ही क्रिएट करें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ पहले से ही क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। प्रेंटिस मलफर्ड, जिनकी लेखन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपना दिन एडवांस में सोच सकते हो कि वो कैसे जाएगा। जब आप खुद को ये कहने लगते हो कि ये बहुत अच्छी यात्रा या सफर होगा, तो आप सच में पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत और एलिमेंट्स भेजते हो जो आपका सफर अच्छा बनाने के लिए चीजों को जगह पर लाने लगती है। जब सफर से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत खराब मूड में होते हो, चिड़े हुए होते हो, तो आप कुछ न दिखने वाले एलिमेंट्स आगे भेजते हो जो एक तरह की नाखुश या टकराव से बनने लगते हैं। हमारे थॉट, दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे मन की अवस्था होती है जो हमेशा चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगी होती है। अपनी लाइफ में हर चीज को अपने थॉट्स के जरिए पहले से ही क्रिएट करने की डेली हैबिट बनाए। जो भी काम आप करें या जहां भी आप जाएं, पहले ही यूनिवर्स की पावर को अपने आगे रखें, ये सोचते हुए कि उनको अपने से आगे रखना है। इन सब का मतलब है कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हो। पावरफुल प्रोसेस। बहुत सारे लोग खुद को अपनी आज में, यानी आज के सर्कमस्टेंसेस में फंसा हुआ पाते हैं। आपकी आज जो भी हालत है वो आपकी आज की सच्चाई है, और आज की सच्चाई सीक्रेट के इस्तेमाल से बदलना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने हालात चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने थॉट्स, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। जब भी आप अपना मेल बॉक्स ये सोच के देखते हैं कि इसमें कोई बिल होगा, तो सच में वहां वही होगा। हर दिन आप सिर्फ बिल्स के बारे में सोचते हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। आप कर्जों के, लोन्स के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप मतलब और कर्जे की उम्मीद कर रहे हैं, तो और कर्जा आएगा। हर दिन आप अपने थॉट्स को ये सोचकर मजबूत करते हैं कि क्या मुझ पर ऐसे ही कर्जा रहेगा? हाँ, ऐसे ही कर्जा रहेगा, क्योंकि आपने ऐसे ही सोचा था। कर्जा बना रहा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके थॉट्स का कहना माना। अपने ऊपर एक एहसान करें कि चेक्स के बारे में सोचना शुरू करें। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का पावरफुल प्रोसेस। ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लाने का जरिया है। जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम थैंकफुल होते हैं, वही हम पाते हैं। ग्रैटिट्यूड मेरे लिए बहुत पावरफुल एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। सुबह जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं, मैं बोलता हूँ थैंक यू। मैं सुबह में जो भी करता हूँ, चाहे वो टूथब्रश करना हो या कुछ और, मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए थैंकफुल रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। जब आप जिंदगी में हर चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो, आप
आपके ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में आने लगती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। आप शुरू कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ग्रेटफुल थॉट्स रिसीव करेगा और आपको सेम तरह के और ज्यादा थॉट्स देने लगेगा। आप एक ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाएंगे और सारी चीजें आपकी होंगी। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब दिमाग में कुछ होते हुए देखना। ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हो, जो भी आपको चाहिए उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, उस समय आप वो चीज अभी आपके पास होने की थॉट्स और फीलिंग्स भी बनाते हो। विजुअलाइजेशन आसान भाषा में पिक्चर के रूप में आपका फोकस थॉट है जो सेम तरह की पावरफुल फीलिंग्स भी जनरेट करता है। जब आप विजुअलाइज करते हो तब आप वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर वापस लौटा देता है जैसे आपने अपने माइंड में देखी होती है। आप बड़े बड़े खोजों के बारे में सोचो, जिन्होंने उन चीजों की खोज की उसके बारे में सोचिए, जैसे प्लेन और राइट ब्रदर्स, जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब्स, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और फोन। आज तक कोई भी चीज की खोज तब हो पाई है जब पहले किसी इंसान ने उसकी पिक्चर दिमाग में बनाई, उसने उसको बहुत साफ तरीके से देखा और उस एंड रिजल्ट की इमेज दिमाग में रखते हुए यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियां उस पिक्चर को इस दुनिया में लाने में लगा दी। यहाँ एक एग्जांपल है, अपने हाथों के पीछे के हिस्से को देखिए, हाथों में स्किन देखिए, हाथों की नसें देखिए, अंगूठी देखिए, नेल्स देखिए, ये सारी डिटेल्स बारीकी से देखिए। अपनी आंखें बंद करने से पहले उन आंखों को, उन हाथों को, उन उंगलियों को अपनी ब्रांड न्यू कार की स्टीयरिंग व्हील्स पर देखिए। ये एक्चुअली आपकी फीलिंग्स होती है जो अट्रैक्शन जनरेट करती है, सिर्फ आपका थॉट और पिक्चर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा या मैं सिर्फ विजुअलाइज करूं जो भी मुझे चाहिए तो क्या वो काफी होगा, लेकिन आप ये कर रहे हो लेकिन ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि आपके पास वो ऑलरेडी है या अच्छा और जॉय फील नहीं कर रहे हो, तब वो अट्रैक्शन की पावर क्रिएट नहीं हो पाती। हमारा काम कैसे होगा ये देखना नहीं है, कैसे होगा ये इस पर डिपेंड होगा कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपकी कितनी कमिटमेंट है और कितना बिलीव है। जब आप दिमाग में पिक्चर देखते हो और उसको फील करते हो, आप खुद को उस जगह पर ले आते हो जहां आप बिलीव करते हो कि आपके पास वो ऑलरेडी है। जब आप यूनिवर्स में फेथ और बिलीव बनाए रखते हो, क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होता है और उसकी फीलिंग पर आता है, आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है वो आप होते हुए देखते हो, आपकी फीलिंग्स भी सेम होती है, आपका दिमाग और आपकी पूरी बॉडी उसको ऐसे देखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। यही विजुअलाइजेशन की आर्ट है। पावरफुल प्रोसेस इन एक्शन। कहते हैं कि वो लोग जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं, एक मैजिकल लाइफ, और वो लोग जो ऐसी जिंदगी नहीं जीते हैं, उनके बीच का अंतर बस इतना है कि जो लोग मैजिकल लाइफ जीते हैं उन्होंने उसको अपनी हैबिट बना लिया है और वो जहां भी जाते हैं उनके साथ मैजिक होता है क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करना याद रखते हैं। वो लोग उसको लाइफ में एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज करते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन बोर्ड के थ्रू बढ़ा सकते हैं और उस पर जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, ऐसी पिक्चर जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखो कि विजन बोर्ड को ऐसी जगह लगाएं जहां आप उसको रोज देख सके, उन चीजों को ऑलरेडी अपने पास होने की फीलिंग फील करें। जब आपको चीजें रियलिटी में मिल जाए तो उसे ग्रेटिट्यूड देकर यानी थैंक यू बोलकर उस पिक्चर को रिमूव कर दें और उसमें नई पिक्चर को ऐड कर दें। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने का। विजन बोर्ड की क्रिएशन दुनिया भर में पेरेंट्स और बच्चों को बहुत इंस्पायर करती है। द सीक्रेट टू मनी। सीक्रेट ने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है क्योंकि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे पिताजी बहुत नेगेटिव थे। उनको लगता था अमीर लोग बहुत खराब होते हैं और जिसके पास भी पैसा है उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है। सो मेरे घर में पैसे को लेकर बहुत सी कहानियां थी, अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे फादर की फेवरेट लाइंस में से एक है, मैं क्या कोई महाराजा हूँ। सो मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं क्लेविन स्टोन से मिला तब मेरी जिंदगी चेंज होना शुरू हुई। जब मैं उनके साथ काम करना शुरू कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक गोल सेट करने के लिए कहा जो बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि अगर वो अचीव हो जाए तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं। उस समय मैं $8,000 साल के कमाता था तो मैंने कहा $1,000,000 साल के कमाने हैं। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करता, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैंने बस कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं इस पर विश्वास करूंगा, मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे ये बिल्कुल सच है, और मैंने ऐसे ही किया। सीक्रेट के बारे में पता होना और उसको यूज करना लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी चीज को क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है चाहे वो पैसा क्यों ना हो। पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना चाहिए। लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है जब आप यही सोचते रहोगे कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है। मतलब आपके दिमाग में बस यही एक थॉट घूमता रहेगा कि इनफ पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है यही सोचते रहोगे तो आप ऐसा पैसा ना होने वाली सर्कमस्टेंसेस बना रहे होते हो। आपको बहुत सारा पैसा होने पर फोकस करना चाहिए। आपको नए तरह के थॉट्स यूनिवर्स में भेजने होंगे, थॉट्स जैसे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा और
ये विश्वास करना होगा कि आपके पास वो पैसा ऑलरेडी है जो आप चाहते हो। आप नोटिस करोगे जैसे ही आप इस तरह के गेम्स खेलते हो या प्रिटेंड करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छा फील होने लगता है और ये आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। अट्रैक्ट अबंडेंस। लोगों के पास पैसा ना होने का सिर्फ एक कारण ये है कि वो खुद अपने थॉट्स के जरिए पैसे को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नेगेटिव थॉट, फीलिंग्स, इमोशन, हर एक चीज, हर एक अच्छी चीज आप तक आने से रोक देते हैं और पैसा उनमें से एक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने पैसे को आपसे अलग रखा है, क्योंकि जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप में यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके पास इनफ नहीं है, मतलब आपने अपने थॉट्स के जरिए उसको रोक दिया है। ज्यादा पैसा होने के बारे में सोचें, ना कि उसकी कमी के बारे में। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो वो आपके अंदर एक बहुत शक्तिशाली फीलिंग पैदा होती है, इसलिए वो फीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए और ज्यादा पैसे की जरूरत ही अट्रैक्ट करती है। पैसा होना अट्रैक्ट नहीं करती। या सीक्रेट का भी एक सीक्रेट है, आपको कोई भी चीज चाहिए जिंदगी में उसका एक शॉर्टकट है, अपने आप में खुश रहना। ये सबसे जल्दी आपके पास चीजें लेकर आता है और पैसा उनमें से एक है। यूनिवर्स में ये जॉय और हैप्पीनेस वाली फीलिंग भेजिए। जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स से आप और ज्यादा जॉय और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हो, जिसमें बहुत सारा पैसा नहीं है बल्कि वो चीज है जो आपको चाहिए। जब आप यूनिवर्स में ऐसी खुशियों की फीलिंग भेजते हो तो यूनिवर्स सेम आपको पिक्चर्स और लाइफ के एक्सपीरियंस के रूप में वापस भेजता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपके अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स रिफ्लेक्शन है। फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोगों का सिर्फ एक गोल होता है, कर्जों से बाहर आ जाए। ये आपको और ज्यादा हमेशा कर्जों में रखता है। जो भी आप सोच रहे हो वही होगा। आप बोलोगे लेकिन मैं सोचता हूँ कर्जे से बाहर निकलना। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कर्जे से बाहर निकलने की सोच रहे हो या कर्जे में डूब जाने। पॉइंट है कि आप कर्जे के बारे में सोच रहे हो तो आप कर्जा ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको अभी चेंज करना होगा। उसको मैं अफोर्ड कर सकता हूं और खरीद से चेंज कर दीजिए और उसको बार बार बोलिए। अगले 30 दिन तक एक चीज इंटेंशनली कीजिए। हर उस चीज की तरफ देखिए जो आपको पसंद है और खुद से कहिए मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। चाहे आपको आपकी ड्रीम कार दिखे, अपने पसंद के कपड़े, वेकेशन, कुछ भी। आपको पैसे के बारे में अच्छा फील होने लगेगा। आप अपने आप को ये मानने लगेंगे कि इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जिंदगी की पिक्चर्स भी चेंज हो जाएगी। गिव मनी टू गेट मनी। देना एक बहुत पावरफुल एक्शन है ज्यादा पैसा अपनी लाइफ में लाने का, क्योंकि जब आप देते हो तो बोलते हो कि मेरे पास बहुत है। आपको पता है इस प्लेनेट पर सबसे अमीर लोग ही सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। वो बहुत सारा पैसा देते हैं और जब वो देते हैं यूनिवर्स उसका मल्टीप्लाइड पैसा उनको वापस देता है। पैसा देने में सैक्रिफाइस करने में बहुत अंतर होता है। दिल से देने पर बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है, सैक्रिफाइस में अच्छी फीलिंग नहीं आती। पूरे दिल से देने पर जो खुशी होती है वो सैक्रिफाइस से हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स आपकी फीलिंग के रिस्पॉन्स में और ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में देता है। द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके डिजायर्स के अपोजिट हो। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल माइक डूली ने दिया है, जो इस बुक के टीचर्स में से एक है। ये स्टोरी एक औरत की है जो एक परफेक्ट पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती थी। उसने सारी चीजें सही की थी, उसको क्लियर पता था कि उसको कैसा पार्टनर चाहिए। उसने अपने पार्टनर की डिटेल्ड क्वालिटी लिस्ट बनाई थी, उसने उसको अपनी लाइफ में विजुअलाइज भी किया। ये सब करते हुए भी उसकी लाइफ में उसके परफेक्ट पार्टनर का कोई निशान नहीं था। एक दिन वो अपने घर पहुंची और उसने गैराज में गाड़ी पार्क करते हुए नोटिस किया कि उसके एक्शन उसके थॉट से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि उसके गैराज में उसके पार्टनर की गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। उसके एक्शन यूनिवर्स को साफ साफ बोल रहे थे कि उसको विश्वास नहीं था कि उसको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। उसने इमीडिएटली गैराज साफ किया और उसने अपनी गाड़ी एक साइड में लगाई और अपने पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई। वो जब रूम में गई और अपना वार्डरोब खोला तो वो भी पूरा कपड़ों से भरा पड़ा था। वहां भी उसके पार्टनर के कपड़े रखने की कोई भी जगह नहीं बची थी। उसने वो भी साफ करके कपड़े रखने की जगह बनाई। उसने बेड के बीच में सोना छोड़कर बेड के साइड में सोना शुरू किया ताकि उसके पार्टनर के लिए जगह बन सके। ये स्टोरी औरत ने खुद माइक डूले को एक बार डिनर पर बताई और टेबल पर उसके साथ एक परफेक्ट पार्टनर बैठा था। इन सब एक्शंस के बाद उसको अपना परफेक्ट पार्टनर मिला और उन दोनों की शादी हो गई। योर जॉब इज यू। आप किसी के साथ कैसे इंजॉय कर सकते हो अगर आप अपने खुद के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम यही आपके जिंदगी में लाना है, बस आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ता है। यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या आप खुद को भी ऐसे ही ट्रीट करते हो जैसा आप चाहते हो बाकी लोग आपको ट्रीट करें? आपके थॉट्स बहुत पावरफुल थॉट्स है, इसलिए जब आप खुद को प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते तो आप ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि आप खुद इम्पोर्टेंट, वर्दी और डिजर्विंग इंसान नहीं है।
खुद को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट करें और सेम थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बनाए रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स को हिला देगा और लाइफ में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ जाएगी जो आपको प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। खुद को प्यार करने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो अच्छा फील करना इम्पॉसिबल है। जब आप खुद के लिए खराब फील करते हो तो आप प्यार और अच्छी चीजों को ब्लॉक कर देते हो जो यूनिवर्स के पास आपके लिए है। रिलेशनशिप में हमें हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोवर्कर्स बहुत लेजी हैं, मेरे हस्बैंड ने मेरा दिमाग खराब किया है, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। फोकस हमेशा दूसरे लोगों पर होता है, लेकिन रिलेशनशिप को ढंग से चलाने के लिए हमको दूसरे लोगों की उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, ना कि जिसके बारे में हमको कंप्लेन करनी है। जब हम उन चीजों की कंप्लेन करते हैं तब हम और ज्यादा ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही है, बहुत मुश्किलें आ रही है, आपकी आपस में बन नहीं रही है, स्टिल आप ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक पेपर लीजिए, अगले 30 दिन तक बैठिए और हर वो चीज लिखिए जो आप उस इंसान के बारे में अप्रिशिएट करते हैं। उन रीजंस को लिखिए जिसकी वजह से आप उससे प्यार करते थे। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को अप्रिशिएट कीजिए, उनके सपोर्टिव नेचर को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अप्रिशिएट करने पर फोकस करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ पर गौर करेंगे तो वही आपको और ज्यादा मिलता है और प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। द सीक्रेट टू हेल्थ, दवाइयों के साथ माइंड के थ्रू ठीक होना साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अगर पेन है तो दवाइयों से पेन ठीक किया जा सकता है, जो इंसान को अपनी हेल्थ पर फोकस करवा सकता है। अच्छी परफेक्ट हेल्थ सोचना कोई भी इंसान अपने अंदर कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सारा स्ट्रेस और टेंशन एक नेगेटिव थॉट से स्टार्ट होता है। एक थॉट से शुरुआत होती है, फिर और थॉट्स आते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। एफेक्ट्स स्ट्रेस है और उसका कारण नेगेटिव थिंकिंग है जो एक नेगेटिव थॉट से शुरू हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या अट्रैक्ट किया, आप सिर्फ पहले उसको एक पॉजिटिव थॉट और फिर ज्यादा पॉजिटिव थॉट के जरिए चेंज कर सकते हो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना और खुश रहना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। केथी गुडमैन अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हुए कहती है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, मैंने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ सोचा कि मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं खुद से कहती थी, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा इसको रिपीट करती रहती, मैंने अपने दिल में पूरा विश्वास बनाए रखा कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया कि जैसे कैंसर कभी मेरे शरीर में था ही नहीं। मैं हमेशा फनी मूवीज देखती, मैं बस यही करती, खुश रहती और हंसती रहती थी। मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि खुद को ठीक करने के प्रोसेस में स्ट्रेस लेना मेरे लिए सबसे खतरनाक था। मेरे कैंसर होने से मेरे ठीक होने तक मुझे एग्जैक्ट 3 महीने लगे और वो भी बिना किसी रेडिएशन और केमोथेरेपी के। केथी गुडमैन की ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी 3 तरह की पावर दिखाती है। ग्रेटिट्यूड की पावर खुद को ठीक करने के लिए, विश्वास की पावर कि वो मिलेगा जो चाहिए, और खुश रहना और हंसने की पावर जो बॉडी में किसी भी डिजीज को ठीक कर सकती है। द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो चीजों की तरफ देखकर बोलते हैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। वो लोग बाकी चीजें जो उनको नहीं चाहिए उनकी तरफ देखकर भी सेम एनर्जी पास करते हैं। हमारी सोसाइटी में हमको चीजों से लड़ने की आदत हो गई है, जैसे कैंसर से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई, वॉर से लड़ाई, ड्रग से लड़ाई, टेररिज्म से लड़ाई, वायलेंस से लड़ाई। हम हर वो चीज से लड़ते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो एक्चुअली और ज्यादा लड़ाई पैदा करती है। अगर सिचुएशन दुनिया से रिलेटेड है तो भी आप पावरलेस नहीं हो, आपके पास सारी पावर है। उन चीजों के बारे में सोचें जो चाहिए। जब आप अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं और उससे दुनिया में अच्छी चीजें होती है। द यूनिवर्स इज अबंडेंट, जब आप सोचते हो कि आपके पास इनफ नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में देख रहे होते हो। आपको लगता है सब कुछ बाहर से आता है, ऐसा करने से कम ही और लिमिटेड चीजें ही दिखती है। अब आपको पता है कि सब चीजें पहले थिंकिंग और अंदर की फीलिंग से आती है। आपके माइंड के पास क्रिएटिव पावर है तो किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। आपकी सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है, इसलिए जो चीजें आप पा सकते हो वो अनलिमिटेड है। प्रेजिंग और ब्लेसिंग यानी तारीफ करने से और दूसरों को अच्छी विशेस देने से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों को भी प्रेज और ब्लेस करें। अगर आप अपने दुश्मनों को कोसते हैं तो वो वापस आके आपको ही लगता है और नुकसान पहुंचाता है। प्रेज और ब्लेस करने से वो चीज खुद के पास वापस आती है। द सीक्रेट टू यू, अगर आप अपनी हाथों की तरफ देखेंगे तो आपको वो सॉलिड लगेंगे, तो वो एक्चुअल में आप नहीं हो। अगर आप अपने हाथ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप एनर्जीज को वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। यूनिवर्स में आप सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो। आसान भाषा में बोले तो सारी एनर्जीज एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपके अंदर भी
एनर्जी है तो आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी आपके थिंकिंग और फीलिंग से पता चलती है। जो भी चीजें आपको चाहिए वो भी एनर्जी से बनी है और वो भी वाइब्रेट करती है। सब कुछ एनर्जी है। जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए तो आप उस चीज के एटम्स की वाइब्रेशन चेंज कर रहे होते हैं और उसको अपने लिए वाइब्रेट करवाते हो। यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर आप इसलिए हो क्योंकि सिर्फ आपके पास ये पावर है कि आप अपने थॉट्स के जरिए अपनी एनर्जी पर फोकस कर सकते हो, चीजों की वाइब्रेशन को हिला सकते हो और उसको अपने तक खींच सकते हो। द वन यूनिवर्सल माइंड। सारी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सारी नॉलेज, सारी डिस्कवरी, सारे फ्यूचर इन्वेंशन हमारी यूनिवर्सल माइंड में ऑलरेडी है। बस उनको ह्यूमन माइंड के जरिए आगे लाना है। हम सब एक हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। इसको एक सुप्रीम माइंड, एक क्रिएटिव सोच कुछ भी कहा जा सकता है। नाम चाहे कुछ भी हो लेकिन हम सब एक हैं। आपको ये सब समझ में आएगा क्योंकि किसी और के लिए नेगेटिव थिंकिंग खुद हमको ही वापस लगती है क्योंकि हम एक हैं। आप फिजिकल बॉडी में खुद भगवान हैं। आप खुद एक स्पिरिट हो, इटर्नल लाइफ हो। यूनिवर्स में जो भी है वो आप ही हो। पावर, विजडम, इंटेलिजेंस, मैग्निफिसेंस, क्रिएटर, सब आप हो और आप ही इस प्लेनेट पर अपनी खुद की क्रिएशन कर रहे हो। यू आर नॉट योर पार्ट। बहुत लोगों को लगता है कि वो विक्टिम है, सिर्फ उनके साथ गलत होता है। वो हमेशा अपने पास्ट में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है और इसका मतलब है कि आप यूनिक नहीं हो। मेरे पेरेंट्स अल्कोहलिक थे, मेरे डैड बहुत परेशान करते थे, मेरी मदर ने उनको मेरे बचपन में ही डिवोर्स दे दिया। मतलब ये है कि सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम है। क्वेश्चन ये है कि अब आप क्या करोगे, आप क्या चूज करोगे? क्योंकि या तो आप सिर्फ उस पर फोकस कर सकते हो या उस पर फोकस कर सकते हो जो आपको चाहिए। जब लोग उस पर फोकस करते हैं जो उनको चाहिए तो जो चाहिए वो बढ़ने लगता है और दूसरा हिस्सा गायब हो जाता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये अच्छा है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे ऐसा करने नहीं देगा या देगी, या मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, या मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हर एक में नहीं हूँ और आगे भी नहीं होने का कारण बनता है। बेहतर है आप सबसे दो पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी चीजें रिसीव कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं हमेशा टाइम पर होता हूँ, मैं जवान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जीज है। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आपका माइंड भागती हुई स्टीम ट्रेन की तरह है। यह आपको पास्ट के थॉट्स में ले जा सकता है, फिर पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को फ्यूचर से जोड़ते हुए ये आपको फ्यूचर के थॉट्स में ले जा सकता है। ये कंट्रोल में न आने वाले थॉट्स बढ़ते रहते हैं। आप अवेयर रहते हो कि आप प्रेजेंट में हो तो आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पा लेते हो और वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ज्यादा अवेयर कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुक के खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप खुद से पूछते हो उसी समय आप अवेयर हो जाते हो क्योंकि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में ले आते हो। इसको दिन भर में बहुत बार कीजिए क्योंकि याद रखिए अवेयरनेस ही आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद कराती है। माइकल बर्नर्ड इसको शॉर्ट में समझाते हुए कहते हैं, याद रखने को ही याद रखिए। द सीक्रेट टू लाइफ। आपके पास अपनी लाइफ के ब्लैकबोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अगर आप पास्ट के बोझ में अटके हैं तो उसको क्लीन करो। पास्ट का सब कुछ मिटा दो जो आपके काम का नहीं है। बस पास्ट के लिए ग्रेटफुल रहो क्योंकि वो आपको एक नई शुरुआत करने पर लेकर आया। आपका ब्लैकबोर्ड एकदम क्लीन है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हो। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीजें करो जो आपको पसंद है और आपको खुश करती है। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो कि आपको किन चीजों से खुशी मिलेगी। जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए कमिटेड रहो, खुशी के लिए कमिटेड रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिंदगी भर में अच्छी और खुशियों से भरी चीजों, लोगों, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज की बारिश कर देगा क्योंकि आप खुश हो। अच्छा फील करो, बस आपको यही करना है। सीक्रेट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनोगे वो सही होगा। ये चुनने की आजादी अब आपकी है। एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस। सीक्रेट आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप यूज करते हो उतना ज्यादा ये बढ़ता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो, विजडम बन जाते हो, इंटेलिजेंस, लव और जॉय सब आप ही होते हो। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाती है। समुन्दर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता और डूबता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी ब्यूटीफुल चीज आप देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो वो आपके लिए होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि
आप सोचते थे या नहीं। अब आपको अपने बारे में पता है, आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और अब आपको सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे सारी पावर आपके अंदर है। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बुक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। आई एम श्योर आपकी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो को बार बार सुने, पॉसिबल हो तो डेली एक बार सुने, आपको आपकी जिंदगी में फर्क महसूस होने लगेगा। इस वीडियो को अपने तक ना रखें, अपने करीबी और खास लोगों से शेयर करें, उनकी जिंदगी भी बेटर करें। आई विश कि आपको आपकी जिंदगी में वो सब मिले जो आप चाहते हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।